वेल दोस्तों, Realme ने Realme 3 Pro, Realme 5 Pro और Realme X और XT डिवाइसेस के लिए जो अप्रैल मंथ का अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया था। और इन अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। और आपको पता होगा, जब भी चाइना में अपडेट आता है उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपको इंडिया में भी अपडेट देखने को मिल जाता है। सो फाइनली Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, X और XT के लिए चाइना के अंदर अपडेट आ गया है। और जो सेम चेंज लॉग आपको चाइना में देखने को मिलता है, वही चेंज लॉग आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है सेम वर्जन के साथ। सो इस वीडियो में बात करेंगे इन अपडेट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स ऐड होंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको फ्यूचर्स में इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखने को मिलेगा, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि इस बार हम लोग वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। सो आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको जाकर के, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है टेक डॉट, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इन अपडेट्स चाहिए, इनके मैनुअल लिंक्स चाहिए, अगर आप चाइना वर्जन यूज करते हो तो जाकर के चेकआउट कर लेना। अपने ग्रुप में मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे Realme X की। सो यहाँ पर आपको चाइना के अंदर जो C.19 का अपडेट देखने को मिलेगा, इंडिया में ये C.13 के नाम से आएगा। अब इसके पूरे फुल चेंज लॉग की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इसके OTA अपडेट के अंदर, यानी कि OTA अपडेट आएगा उसी के आपको यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो अपडेट लॉग में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन फीचर्स हैं, आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया है और जो आपके फोन नंबर्स थे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे, यानी कि शो नहीं कर रहे थे, उनको थोड़ा सा यहाँ पर Realme ने फिक्स किया है। इसी के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम को Realme ने फिक्स कर दिया है और आपको मार्च और अप्रैल मंथ का एक साथ जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ Realme X में आपको सिर्फ इतना सा ही अपडेट ये देखने को मिलेगा। इसके साथ आपकी जो भी सिस्टम एप्लीकेशंस होंगी उनको Realme अपडेट कर देगा और इनके लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, जो Realme एंड Oppo की सिस्टम एप्लीकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब इसके साथ दोस्तों, Realme 3 Pro या Realme XT आप लोग बोल रहे हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको जो अपडेट्स देखने को मिलता है उसका वर्जन आपको देखने को मिलेगा C.13, और यहाँ पर आपको इंडिया में भी C.13 के नाम से ये अपडेट आने वाला है। इसके पूरे फुल चेंज लॉग की बात करें तो आपको यहाँ पर OTA अपडेट में क्या अपडेट लॉग देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको सेम वही देखने को मिलता है जो अपडेट लॉग आपको Realme X में देखने को मिला। आपको पता होगा Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme X और XT के लिए जो भी अपडेट्स आते हैं उनके अपडेट्स लॉग आपको सेम देखने को मिलते हैं, सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट वर्जन अलग अलग होते हैं। और Realme UI 2.0 की बात करें तो इन डिवाइसेस में आपको Realme UI 2.0 का जो अपडेट्स है Realme 3 Pro, 5 Pro, X और XT में, वो जाकर के आपको जून के मंथ में देखने को मिलेगा अर्ली एक्सेस। स्टेबल आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों को बीटा अपडेट्स इंस्टॉल करने हैं तो आप लोग जून के मंथ यानी कि जून एंड तक जो अपडेट्स है बीटा वो अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो Realme 3 Pro, 5 Pro, X और XT में। सो फाइन दोस्तों, इतना इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी वॉलपेपर पसंद आए तो जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने इसको शेयर कर दिया है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।